स्वाद और सेहत से भरपूर मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले गर्मियों के सबसे ताकतवर शक्तिवर्धक लड्डू। खूब सारे कैल्शियम, आयरन, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर, घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बेहद सेहतमंद और बेहद फ़ायदेमंद लड्डू। एक बार ये लड्डू बनाएंगे तो कभी भी आप इनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सारी चीज़ें वो डाली हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। ये गर्मियों में आपको ठंडक देंगे, थकान दूर रखेंगे, हड्डियां मजबूत करेंगे, आंखों की रोशनियां तेज करेंगे और याददाश्त भी बढ़ाएंगे। सुपर टेस्टी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं एक कटोरी मखाने। ये बहुत फ़ायदा करते हैं, गर्मियों में ठंडक देते हैं, शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन का खजाना होते हैं मखाने। गर्मियों में जो डायरिया हो जाता है बेहद फ़ायदा करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है एक चौथाई कटोरी काजू। काजू में होता है ढेर सारा जिंक और ये इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। साथ ही में मैंने लिए हैं बादाम, ये भी एक चौथाई कटोरी हैं। प्रोटीन ओमेगा 3-6 कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर से भरपूर होते हैं ये बादाम। साथ ही मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज का पाउडर। ये हमने खरबूज के बीज का पाउडर बना हुआ रखा था, इसलिए हमने आधी कटोरी खरबूज का बीज का पाउडर लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर खरबूज के बीज का पाउडर बना सकते हैं। अब लेंगे हम एक ग्राइंडर जार, उसमें डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट। इसका हम बनाएंगे एक दरदरा सा पाउडर। इसका पाउडर हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। देखिए कितना दरदरा पाउडर बनाया है हमने। अब लेंगे हम सॉफ्ट एकदम मुलायम खोआ। यहाँ पर ये मैंने लगभग मात्रा में 100 ग्राम के होगा खोआ ले लिया। अगर आपके पास खोआ ना हो तो आप दूध से भी खोआ बना सकते हैं ताजी। नेक्स्ट हम लेंगे पिन खजूरे। ये खजूर लिए हैं लगभग, ये वजन में 250 ग्राम हैं। इनको हम पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और इनको निकालने के बाद इसके हम सारे बीज निकाल देंगे। इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है और ये हमारे खून को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम इसे निकालने के बाद इसके सारे बीजों को निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। एक बार आप ये लड्डू मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर खाइएगा। और जैसे बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, आप इन फेस्टिवल पर भी इनको बना सकते हैं। और ये शुगर फ्री लड्डू हैं। इसका भी हमने दरदरा सा पाव पेस्ट बना लिया है। इसे हमने ग्राइंडेड जार में डालकर इसका भी पेस्ट बना लिया था। इसका थोड़ा दरदरा ही पेस्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं नारियल का बुरादा। ये हमने लगभग 2 नारियल को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो मार्केट वाला भी नारियल का बुरादा ले सकते हैं, लेकिन आप जो घर पर बुरादा बनाएंगे उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है और मार्केट वाले में इतना ऑयल नहीं होता है और उतना हेल्दी भी नहीं होता है वो। अब हम चढ़ाते हैं गैस पे कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे, गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, नारियल के बुरादे को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें हम अभी कोई घी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नारियल के बुरादे में काफ़ी ऑयल होता है। और लो फ्लेम पर हम इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। भूनने से इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाता है और इसे हम लॉन्ग टाइम तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छे से हमने इसका लाइट ब्राउन कलर कर लिया है नारियल के बुरादे का। इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ही भूनना है। अब एक लेंगे हम थाली या कोई भी बड़ा बर्तन, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। वापस से गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे वही। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी और जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और आधी कटोरी हम डाल देंगे इसमें खरबूज के बीज का पाउडर।
इसे भी हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये लड्डू आपकी बहुत सारी बीमारियों को भगा सकता है। इन लड्डुओं को शुगर फ्री लड्डू बनाया गया है और ये आप शुगर में भी इनको खा सकते हैं और आप बीपी हाई में भी इनको खा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। देखिए, ये ड्राई फ्रूट का पाउडर भी हमारा लाइट ब्राउन होने तक भुन चुका है। चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे भी हम वापस से उसी थाली में निकाल लेते हैं नारियल बुरादे पर। देखिए, इसको भी हम नारियल के बुरादे पर निकाल लेते हैं। वापस से गैस पर फिर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे खजूर का पेस्ट। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर भी लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर ये कढ़ाई जल जाएगी और खजूर भी अच्छे से नहीं भुन पाएंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने खोए को तोड़ कर रखा था। अगर हार्ड खोआ हो तो आप ग्रेट करके ले सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट था थोड़ा सा खोआ, इसलिए हमने ऐसे ही मैश कर लिया हाथों से और इसको भी खजूर के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम 4 से 5 हरी इलायची का पाउडर। इससे खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे अच्छे से जो मोटे मोटे लम्स हैं उसको भी मैश कर देंगे चम्मच से। भूनने से इनकी लाइफ टाइम बढ़ जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इन्हें महीनों स्टोर करके आप खा सकते हैं। अब इसको भी हम इसमें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए अब इन्हें करते हैं आपस में मिक्स। हम यहाँ पर कोई शुगर या गुड़ का यूज़ नहीं करेंगे, शुगर फ्री लड्डू बनाएंगे ये। अगर आप मीठा बनाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर गुड़ की या फिर चीनी की चाशनी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हम करेंगे मिक्स। खोआ और खजूर के साथ नारियल के बुरादे को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों हाथों से, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें और अच्छे से हमारे लड्डू बन सकें। चलिए अब बनाते हैं लड्डू। देखिए कितना घी निकल रहा है और मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज़ किया है। और इसे अच्छे से हाथों से बांध देंगे। ये इतने सॉफ्ट और मुलायम लड्डू बनेंगे कि ये जाते ही मुंह में घुल जाएंगे। देखिए, लग रहा है ना एकदम सुपर टेस्टी और हेल्दी लड्डू। चलिए इन्हें इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बनाकर रख लेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये लड्डू आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसे लगे मेरे ये हेल्दी लड्डू की रेसिपी, एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर खाइएगा इस तरह से ये लड्डू। इन्हें आप दूध के साथ एक लड्डू नाश्ते में ले सकते हैं। ये हमारे सुपर टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। लग रहे ना बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल लड्डू। तो ये लीजिए हमारे गर्मियों के शक्तिवर्धक लड्डू बनके तैयार हैं। सर दर्द, बदन दर्द और आपकी ये थकान को भी दूर कर देंगे। सुपर टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू, मुंह में घुल जाने वाले टेस्ट तो ऐसा है कि आप एक नहीं 2 खाने का मन करेगा। आपकी थकान को दूर करने वाले, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाले, सर दर्द को दूर करने वाले सुपर टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू। इसे आप एक बार बनाइए और महीने भर तक स्टोर करके रखिए। आप इन्हें फ्रिज में रखकर 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इन्हें आप नाश्ते में दूध के साथ एक लड्डू ज़रूर खाइएगा, अगर आप इन्हें लंच के बाद भी ले सकते हैं। इसे आप किसी सूखे एयरटाइट कंटेनर जार में भरकर रख सकते हैं। अगर आप इन्हें फ्रिज के बाहर रखेंगे तो ये आराम से 15 से 20 दिन चल जाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।